आई एम नॉट डिफेंडिंग करप्शन, आई एम ओनली सीइंग दैट करप्शन इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम. इफ इन अ सोसाइटी देर आर 100 पीपल, आउट ऑफ दैट 10 विल ऑलवेज रिमेन करप्ट. करप्शन के केसेस अगर है, डिटेक्ट हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, तो अच्छी बात है. हो रहे हैं ये चिंता की बात नहीं है. हाँ नहीं, हो रहे हैं. ये देखिए, अभी करप्शन जो है वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, बाकी डिपार्टमेंट में नहीं है, ऐसे नहीं है. करप्शन, I am not defending corruption. I am only saying that corruption is the part of the system. And it is very difficult to weed it out. Only thing what we can do is make out maximum number of cases to deter any public servant from indulging into corruption. We cannot weed out 100% corruption. Otherwise, that act is Prevention of Corruption Acts. It is not Abolition of Corruption Act. So the act itself says that it is a preventive act. Now if in a society there are 100 people, out of that 10 will always remain corrupt. You cannot weed out all the 100% out of the system. It is a part of the system. But my point is पुलिस विभाग और राजस्व विभाग, ये दो जो विभाग हैं, इसमें अन्य विभागों की तुलना में 500% ज्यादा. नहीं तो उसमें मैन पावर भी देखिए ना कितना ज्यादा है. इट विल ऑल्सो मैटर विद द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड मेन वर्किंग. नाउ महाराष्ट्र पुलिस हैज गॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ 220,000 पीपल. नाउ देयर कुड बी डिपार्टमेंट्स वेयर देयर आर ओनली 500 पीपल वर्किंग इन डिपार्टमेंट, देयर आर ओनली 5,000 पीपल वर्किंग इन द डिपार्टमेंट. सो इफ यू टेक अ प्रोपोर्शनल परसेंटेज कि ये डिपार्टमेंट में 500 लोग हैं और उसमें से 50 लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं, सो द परसेंटेज गोज टू 10%. नाउ इन पुलिस केसेस इफ यू से दैट 300 केसेस और 200 केसेस आर मेड आउट इन अ ईयर इन द पुलिस डिपार्टमेंट, सो दैट विल मीन आउट ऑफ 220,000 200 आर बींग प्रोसिक्यूटेड, इजंट इट? एंड दे आर बींग प्रोसिक्यूटेड, cases are being made out. So if anybody is indulging it to corruption, we receive the complaint, we take action.